हाय, सब बढ़िया ना? आई होप सब बढ़िया होंगे। हाँ, आई अंडरस्टैंड, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम की टेंशन हो रही है, मीनो दिमाग ख़राब हो रहा है कि एग्ज़ाम कब होंगे कब होंगे कब होंगे। अच्छा, मान लेते हैं यार कि एज्यूम कर लेते हैं कि कल से एग्ज़ाम है। ओके, तो क्या तुम 100 out of 100 ले आओगे? तो तुम्हारा जवाब होगा मुश्किल है सर। ओके, दूसरा क्वेश्चन, अच्छा क्या तुम्हें सब आता है? तो तुम्हारा जवाब होगा ऑलमोस्ट सब आता है सर। ओके ओके, अच्छा तीसरा क्वेश्चन, अच्छा वो जो ऑलमोस्ट की तुम बात कर रहे हो, क्या उससे 100 out of 100 आ जाएंगे? तो तुम्हारा जवाब होगा नहीं सर। अच्छा, 12th में हो ना? ऑब्वियसली बात है 12th में हो यार। अच्छा, आज तक कभी 100 out of 100 आए हैं किसी भी सब्जेक्ट में? अब LKG UKG का मत उठा लेना कि सर LKG में आए थे UKG में आए थे, 9 से ऊपर की बात करो यार, थोड़ा स्टैंडर्ड अप करो। अगर आए होते ना, अब मेरी बात सुनो, अगर आए होते ना तो तुम्हें एग्ज़ाम्स की पढ़ी नहीं होती, और ना तुम ये मुझे सुन रहे होते, ना मोटिवेशन ढूंढ रहे होते, ना ये स्ट्रेटजी ढूंढ रहे होते। तुम पढ़ रहे होते, अभी भी पढ़ रहे होते, कहीं ना कहीं किसी कोने में बैठ के अभी भी लगे पड़े होते। मुझे लगता है आज तक तुम्हारे मार्क्स कभी आए नहीं होंगे, 100 out of 100 तो नहीं आए होंगे, इसलिए तुम्हें एग्ज़ाम्स की पढ़ी है, क्योंकि शायद तुम्हारे लिए मार्क्स मैटर ही नहीं करते, है कि नहीं? तुम वही एवरेज स्टूडेंट हो जिसे बस एग्ज़ाम डिले होना एक आफत लग रहा है, एक झंझट लग रहा है, एक परेशानी, एक दिक्कत, एक प्रॉब्लम लग रहा है। तुम चाहते हो कि सब कुछ जल्दी निपटे, बस खत्म हो जाए, हम जल्दी से 12th क्लियर हो जाए हमारा, है ना? और मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे क्या, दुनिया में हर एक पढ़ने वाले स्टूडेंट को पता क्या लग रहा होगा कि साला 1-2 महीना एग्जाम डिले हुआ है ना, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कसम से बहुत बड़ी वाली अपॉर्चुनिटी है। इतना एक्स्ट्रा टाइम मिला है ना कि 4-5 बार रिवाइज हो सकता है, इसमें 4-5 बार दोबारा पढ़ डालो किताबों को, दिक्कत क्या है इतना, है ना? इसको टेक इट लाइक एज एन अपॉर्चुनिटी यार, इसको अपॉर्चुनिटी का जैसा समझो। एग्जाम होगा तो ठीक, नहीं होगा तो ठीक, साला बाढ़ में जाए, उससे कोई मतलब नहीं। एटलीस्ट लाइफ में आगे चलकर ये तो बोल पाओगे कि एक टाइम था जब मैंने अपना बेस्ट दिया था और मेरे मार्क्स एकदम बेस्ट आए थे, है ना? और हाँ, क्या पता साला जिंदगी में पहली बार 100 में से 100 आ जाए यार, क्या दिक्कत है? सो डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, ओके, बिलीव इन योर सेल्फ। और लास्ट बात ये बोल सकता हूँ कि वैसे डंग के मार्क्स आ गए तो पूरी ज़िंदगी प्राउड फील होगा। और हाँ, 1-1.5 महीने में हो सकता है चमत्कार, देख लो, डील बुरी नहीं है। टेक केयर, टाटा बाय बाय।